आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से एक नाश्ता, गेहूं और नूडल्स का एक नाश्ता बना रहे हैं हम। उसके लिए मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, हरा धनिया है इसे मैंने कट कर लिया है धो के, हरी मिर्च है दो इसको भी कट कर लिया है, आधी कटोरी नूडल्स है ये नॉर्मल नूडल्स है ये भुने हुए नहीं है, आधी एक कटोरी पत्ता गोभी है जिसे मैंने कट कर लिया है छोटे टुकड़ों में, प्याज है आधी कटोरी इसको भी काट लिया है, गाजर को ग्रेट करके लिया है आधी कटोरी गाजर है। अब हम सबसे पहले नूडल्स को धो लेंगे, और आधा चम्मच नमक है, नमक स्वाद अनुसार है। इन्हीं चीज़ों से हम एक नाश्ता बनाएंगे, चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हम नूडल्स को बाउल में डाल के पानी से धो लेंगे, दो तीन पानी से, ताकि ये फूल जाए। नूडल्स को मैंने धो लिया है, ये देखिए इसे मैंने धो लिया है। अब हम इसमें पत्ता गोभी डालेंगे एक कटोरी, प्याज डालेंगे, गाजर डालेंगे। अब इसमें हम आधी चम्मच नमक डाल रहे हैं, नमक स्वाद अनुसार है। नूडल्स और इन सब्जियों को मिक्स कर देंगे। आप इसमें सब्जी कोई भी यूज कर सकते हैं, वेजिटेबल। मैंने गाजर पत्ता गोभी और प्याज लिया है और नूडल्स लिए हैं। इसमें नमक इसलिए मिला रहे हैं कि ताकि सब्जी पानी छोड़ दे। अब इसे हम रेस्ट करने रखेंगे 1 मिनट, 1 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। जब तक हम इसे रेस्ट करने रख रहे हैं तब तक हम आटे का डो लगा लेते हैं। चलिए लगा लेते हैं, वो लगा लेंगे इसका। ये मैंने आटा लिया है, एक बड़ी कटोरी भर के आटा लिया है, नमक स्वाद अनुसार है, मैं आधी चम्मच नमक ले रही हूँ, 1 स्पून भर के ऑयल ले रही हूँ, इस स्पून से मैं 2 स्पून ऑयल ले रही हूँ। इस तरह हम ऑयल डाल के इसे गूंथ लेंगे। अब हम इसे गूंथेंगे पानी डाल के, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, ये देखें बस हमें इस तरह का डो चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, पतला डो नहीं लगाना है हमें, रोटी की तरह मीडियम डो लगाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखें पूरी ना पूरी जैसा इसका आटा हमें मीडियम लगाना है रोटी और पूरी। चलिए इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक आटा लगा लेते हैं। अब हम इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे और इसे सॉफ्ट करेंगे इस तरह हाथों से मसल मसल के। इसे मैंने चिकना करके अब हम इसे ढक के रेस्ट करने रख रहे हैं, लिए 1 से 2 मिनट इसे रेस्ट करने रख देंगे। अब ये जो सब्जियों में हमने नमक डाला था इसे चेक कर लेंगे। ये देखें ये हल्का हल्का पानी छोड़ चुकी हैं, लेकिन हमने जो नूडल्स डाले थे वो इसी पानी में फूल गए हैं, सब्जियों के पानी में, वेजिटेबल के पानी में फूल गए हैं। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह निचोड़ के सारा पानी निकाल देंगे इसका। इस तरह मैं सभी वेजिटेबल का पानी निकाल दूंगी। मैंने नूडल्स इसलिए डाले थे कि सब्जियों का पानी वेस्ट ना जाए और नूडल्स उसमें फूल जाए। ये देखें चलिए निचोड़ लेते हैं सभी को। वेजिटेबल को निचोड़ लिया है मैंने और इसका पानी थोड़ा ही पानी निकला है क्योंकि हमने इसमें नूडल्स डाले हैं, वेजिटेबल का पानी से ही नूडल्स फूल गए हैं। ये देखिए अब हम इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं कटी हुई, हरा धनिया डालेंगे, नींबू का रस डाल रही हूँ, मैंने नींबू का रस लिया है ये 4 से 5 बूंद, इससे ज़्यादा हम नींबू का रस नहीं लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक ले रहे हैं, नमक हमने सब्जियों में पहले भी डाला था इसलिए हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, यूँ आधी चम्मच नमक स्वाद अनुसार है। यदि आप कोई वेजिटेबल इसमें से नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब इन सभी को हम मिक्स कर देंगे इस तरह, चलिए कर लेते हैं मिक्स। आधी चम्मच चाट मसाला डाल रहे हैं,
आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। का हो गया है देखिए ये। अब हम इस पेड़े काटेंगे इस तरह बराबर के। चलिए काट लेते हैं के पेड़े काट लिए हैं। अब हम इसे चौकी पे रख के बेल लेंगे, रोल लेंगे, बिल्कुल रोटी के बराबर का बेलेंगे, सभी पेड़ों को बेल लेंगे। इस साइज का मैंने सभी को बेल लिया है, ये इस तरह मैंने बेल के एक बराबर का रख लिया है। ये देखिए, को बेलने के बाद मैंने ये एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया है। आप कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं इस तरह, और उसको इस तरह रखेंगे हम, जैसे ब्रेड होती है चौकोर, उस साइज में हम इस तरह चारों तरफ से काट लेंगे। ये देखिए, मैंने किनारों को कट कर लिया है इस तरह, सभी किनारों को डिब्बे से मैंने इस तरह चारों तरफ से चाकू से कट कर लिया है। ये इसी तरह हम सभी हमने बेल के रखी हैं, उन सभी को इस तरह कट कर लेंगे। एक और कट करके बता देती हूँ। ये देखे, इसे भी कट कर लेंगे इसी साइज का, इस तरह बीचों बीच डिब्बे को रख के। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। ये देखे, बड़े आसानी से कट हो जाता है। हमें ब्रेड की साइज का ही इसे बना कट करना है। ये देखे, मैंने इसे चारों तरफ से कट कर लिया है इस तरह। ये देखे, कट कर लिया इस तरह। अब चलिए इसी तरह हम सबको कट कर लेते हैं। मैंने सभी को ब्रेड की तरह काट लिया है। ये देखे, इस तरह कट कर लिया है। आप इस तरह रखेंगे, और जो हमने वेजिटेबल मिक्स करके रखी है इसके अंदर भरेंगे। चलिए भर लेते हैं इसे। सैंडविच में आलू भरते हैं, सेम इसी तरह इसको भरेंगे। मैंने इसे भर दिया है, मैंने इसको नहीं भरा है, किनारे हमें इस तरह खाली छोड़ना है। ये देखिए, इसको मैंने भर लिया है। अब मैं ये नॉर्मल पानी ले रही हूँ, इसको हल्का सा इस तरह चारों तरफ लगा देंगे। पानी लगाने के बाद हम इसका दूसरा पार्ट इस तरह रख देंगे इसके ऊपर, और इसे इस तरह दबा देंगे किनारों को, ताकि हमारी सब्जियां बाहर ना निकले। ये मैंने दबा दिया, इस तरह हम इसे रेडी करेंगे। ये देखे, अब हम हल्का सा ऊपर ऑयल लगा देंगे। रिफाइंड ऑयल है, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं इस पे। इसके दोनों तरफ हमें ऑयल लगाना है इस तरह। इसी ऑयल को हम पीछे भी लगा देंगे, जो हमने आगे कवर करा है ऑयल से, इस तरह हम पीछे भी लगा लेंगे। ये रेडी है, ये मैंने सैंडविच मेकर लिया है। आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी। ये देखिए, हम इस तरह इसको रख देंगे इसमें। अब हम इस तरह से बंद कर देंगे, ऑन कर देंगे। ऑन करने पे ये ग्रीन बत्ती जल जाएगी, और जब ये बन जाएगा तो ग्रीन बत्ती बंद हो जाएगी। चलिए बना लेते हैं। बत्ती बंद हो गई है, अब हम इसे खोल के चेक कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, देखिए ये सिक चुका है, मैं इसे बाहर कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह ही हमें इसे बनाना था, मैंने इसे बाहर कर लिए हैं। मैं आपको गैस पे बना के दिखा रही हूँ। ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा इस तरह, और हमने जो सैंडविच का वो भर के रखा है उसे रख देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे इस तरह। अब हम ऊपर भी इसके ऑयल लगा देंगे। इसे आप इस पे भी बना सकते हैं। ये देखें, अब हम इसे पलट देंगे। हम हल्का सा इसलिए सेक रहे हैं इसे, क्योंकि हम इसे फ्राई करेंगे अभी। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सेकेंगे, अलट पलट करते हुए।
तरफ पलटेंगे इस तरह दबा के, हम इसे दोनों तरफ सेक लेंगे। इसी तरह अब हम गैस की फ्लेम बंद कर रहे हैं। सैंडविच मेकर में बनाए हैं वो इस तरीके के हैं, और जो तवे पे बनाया वो ऐसा है। अभी हम इसको घोल में लपेट के ऑयल में फ्राई करेंगे, इसलिए मैंने इसको इस तरह बनाया है दोस्तों कि ये अंदर तक क्रिस्पी रहे। ये देखिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। डाल दिया है, अब हम इसका एक घोल रेडी करेंगे। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है मैदे में थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक इसका पतला घोल रेडी करेंगे हम इस तरह। ये देखिए हमने इसे मिक्स कर दिया है, इस तरह का घोल चाहिए हमें। रेडी हो गया है, मैं इसमें आधी चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ, एक स्पून सफ़ेद तिल है इसमें। अब हम इसको मिक्स कर देंगे नमक और तिल को इस तरह, और ये देखिए घोल इस तरह का चाहिए हमें। अब ये रेडी है, अब हम इसको डिप करेंगे इस तरह। मैंने डिप किया जो हमने सैंडविच मेकर में बना के रखे हैं इस तरह, और ऑयल मेरा गरम हो गया है। देखें गैस की फ्लेम मीडियम करके रखेंगे हम। पहले मैंने इसे गरम कर लिया, उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है। ये देखें कर लिए, इसे भी हम फ्राई करेंगे मैदे के घोल में। देखें एक तरफ से सिक गया ये, अब मैंने इसे दूसरी तरफ पलट दिया इस तरह। इससे ये क्रिस्पी हो जाता है जिस तरह हम इसमें मैदे के घोल में इसे फ्राई कर रहे हैं। गैस की फ्लेम आप तेज कर देंगे हम, अब दूसरी तरफ पलटा देंगे इस तरह। ये देखिए दोस्तों ये सिक चुका है, इस तरह ही हमें बनाने हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है, गैस की डिप करेंगे। ये देखिए इस तरह करके, और फिर हम इसे ऑयल में डाल देंगे इस तरह। ये देख एक और अब हम डाल रहे हैं इस तरह। इसी तरह हम सभी को बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। गेहूं के आटे से रेडी किया है हमने ये नाश्ता। ये देखे चाहे आप इसे पेटीज बोलिए या सैंडविच बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। ये दोस्तों नाश्ता रेडी है, इसे आप चाहे सैंडविच बोलिए या पेटीज बोलिए। ये देखिए गेहूं के आटे की पेटीज फटाफट बन के रेडी होती है। ये देखिए इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है इसके आटे की। ये देखिए क्रिस्पी बहुत है, ये कुरकुरी है एकदम क्रिस्पी खस्ता। ये देखिए दोस्तों तोड़ के दिखा रही हूँ, आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए दोस्तों इतनी क्रिस्पी है, अभी एक बार ज़रूर बनाइए। इसे मैंने टमाटर सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। ये बहुत अच्छी लगती है, मार्केट से जो हम पेटीज लाते हैं उससे भी अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल है। ये हेल्थी नाश्ता है, एक बार ज़रूर बनाइए इस तरीके से। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहले बनाइए फिर खाइए, और फिर मुझे लाइक कमेंट करिए कैसा लगा आपको मेरा ये नाश्ता। बनाइए खाइए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।